बढ़ते आगे इंदौर से बड़ी खबर, अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला, एक्शन लिया गया। नगर निगम और जिला प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई की है। भवरकुआ क्षेत्र के प्रोफेसर कॉलोनी में बुलडोजर चलाया, निजी जमीन पर अवैध कब्जे को जेसीबी से हटा दिया गया। 2400 स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जे से अतिक्रमण हटाया गया, कब्जा मुक्त कराया गया। प्रशासन की कार्रवाई को लोगों ने रोकने की कोशिश की, विरोध किया, पुलिस और निगम कर्मियों पर पथराव तक किया। विरोध को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। इंदौर की भवरकुआ इलाके की प्रोफेसर कॉलोनी में अवैध बस्ती बनी हुई थी, हटाने के लिए नगर निगम पहुंचा था, पुलिस की टीम पर रहवासियों ने उल्टा पथराव कर दिया, विरोध किया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद सभी ने चक्का जाम कर प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया। पथराव के बाद पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए स्थिति को संभाला। इंदौर नगर निगम का इन दिनों अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है, और इससे पहले खजराना में भी और बंबई बाजार में भी कुछ ऐसी कार्रवाई देखने को मिली थी। एक बार फिर से एक्शन लिया गया है, लेकिन जब टीम मौके पर पहुंची तो उल्टा टीम पर ही पथराव कर दिया गया और विरोध प्रदर्शन करती नजर आई यहां की जनता। स्थानीय लोगों द्वारा नाराजगी जताई गई, कब्जा मुक्त कराने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की गई थी। लगातार प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आशीष हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। आशीष, क्या पूरा मामला बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये इंदौर जो भवरकुआ थाना क्षेत्र के प्रोफेसर कॉलोनी का है, जहां पे सालों से कुछ लोगों ने अपने अवैध घर बना रखे थे, झोपड़ियां बना रखी थी। उसी के आज नगर निगम और जिला प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान वहां के रहवासियों ने जमकर विरोध किया है और जो नगर निगम की टीम है उनके ऊपर भी पथराव किया है। अभी वहां पर क्या हलचल है, मौके पर हलचल देखने को मिल रही है क्या? अभी भी कार्रवाई जारी है और अभी भी जो जो कब्जाधारी है वह अभी भी हंगामा लगातार अभी भी कर रहे हैं। अभी भी पुलिस, भारी पुलिस बल तैनात है वहां पे, क्योंकि सालों से ये इन लोगों ने कब्जा कर रखा था। उसी के विरोध में खास करके सबसे ज्यादा जो उस क्षेत्र की महिलाएं हैं वह सबसे ज्यादा विरोध कर रही हैं, क्योंकि इसके पहले भी कुछ साल पूर्व कार्रवाई की गई थी और उस टाइम भी महिलाओं ने बहुत ज्यादा हंगामा किया था, पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा, पुलिस के साथ बहुत ज्यादा विवाद किया था। उसी के बाद आज दूसरी बार कार्रवाई की गई है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो सचिन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कार्रवाई यहां पर की जा रही है लगातार और अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई एक बार फिर से की गई है और प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर से चला है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार कार्रवाई जारी है।